फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ काजल सिंह। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रय शक्ति क्षमता। फ्रेंड्स, हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। चलिए देखते हैं क्रय शक्ति क्षमता। हमारा जो टॉपिक है ये है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व के शीर्ष 6 देश। आज हम इन्हें याद करने की ट्रिक देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि क्रय शक्ति क्षमता परचेसिंग पावर पैरिटी एक्चुअली में है क्या, जिसे इन शॉर्ट ट्रिपल पी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें ट्रिपल पी की, तो किन्हीं भी दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर से है। इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है। क्रय शक्ति क्षमता के जरिए हम यह पता लगा सकते हैं कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितना अंतर है या फिर कितनी समानता है। यह मुद्रा विनिमय दर करेंसी एक्सचेंज रेट तय करने में भी भूमिका निभाती है। या सरल शब्दों में कहें तो किसी देश में एक अमेरिकन डॉलर में कोई वस्तु मिलती है, वही वस्तु हमें अपने देश में कितने रुपए में मिल रही है। वस्तु की मात्रा और कीमत में जो भी मौजूद अंतर होगा उससे हमारे देश की मुद्रा की कीमत तय हो जाएगी। ट्रिपल पी रेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आय की तुलना भी की जाती है। किसी देश की गरीबी के स्तर को नापने के लिए ट्रिपल पी एक बेहतर ही पैमाना है, बेहतर माध्यम है। यानी कि बेसिकली हम सीखते हैं कि किन्हीं भी दो देशों के बीच मुद्राओं में कितना अंतर है या फिर कितनी समानता है, और साथ ही साथ ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और गरीबी को नापने के लिए एक बेहतर पैमाना है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे ट्रिक पे आते हैं, जो कि है ट्रिपल पी के अनुसार विश्व के 6 शीर्ष देशों को याद रखने की। तो हमारा ट्रिक है ट्रिपल पी में चीन आई जंजीर लगाने। तो ट्रिपल पी से हमारा टॉपिक है चीन से चाइना, अ से अमेरिका, ई से इंडिया, ज से जापान, जी से जर्मनी और र से रूस। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ 6 देशों को याद रख सकते हैं ऑन द बेसिक ऑफ ट्रिपल पी। चलिए, ये हो गई हमारे टॉपिक की बात। अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिपल पी और जीडीपी में क्या अंतर है। ट्रिपल पी का आशय धनी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल नहीं है, बल्कि धनी अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर तय की जाती है। 2016 की स्थिति में जीडीपी के आधार के अनुसार भारत विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और ट्रिपल पी के अनुसार 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। होप सो आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा, हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है सो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है, आपका प्यार ही है जो हमें लगातार अच्छे कंटेंट के साथ मौजूद होने के लिए मजबूर करता है। और फ्रेंड, इसके साथ ही अगर आपके पास कोई ट्रिक और जानकारी है तो वो भी आप हमें शेयर करना चाहें तो अपनी फ़ोटो के साथ हमारी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी आईडी है kajaltutorials@gmail.com। पसंद आने पर हम आपकी फ़ोटो और नाम के साथ उसे यहाँ पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट लाइक अवर सेशन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स।